सत श्री अकाल दोस्तों, ट्रैवल किंग ट्रैवल क्वीन चैनल में आपका स्वागत है। घूमने की कोई उम्र नहीं होती। मैसूर का ये वीडियो दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में श्रीरंगापट्टन को दिखाया गया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी दिख रहा होगा। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मंदिर में अंदर जाने से पहले आप अपनी चप्पल या जूते को कार या बस में ही उतार ले तो अच्छा होगा। इससे आप भीड़ से भी बचेंगे और आपको अंदर जूते चप्पल रखने का कोई चार्जेस भी नहीं देना पड़ेगा। इस मंदिर में हमेशा बहुत भीड़ रहती है, लेकिन अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, इसलिए हमें कोई भी VIP टिकट खरीदना नहीं पड़ा। आपको टिकट यहाँ से खरीदना है। जल्दी VIP दर्शन करने के लिए टिकट का प्राइस पहले 250 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लगता था, शायद अब इसे घटाकर 100 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज कर दिया गया है। लेकिन रेट सच में घट ही गया है, ये एकदम कंफर्म नहीं पता है। और अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप प्रसाद भी ले सकते हो। प्रसाद में लड्डू दिया जाता है जिसके लिए 20 रुपए प्रति लड्डू का चार्ज लगता है। इसके अलावा ये कुछ सेवा का चार्ज है। आपने वीडियो में देखा, आज फिलहाल मंदिर में भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए हमें कोई टिकट नहीं खरीदना पड़ा और तुरंत दर्शन हो गए। यहाँ पर 20 मिनट के लिए गाड़ी रुकी थी और उसके बाद अगला डेस्टिनेशन सेंट फिलोमिनास कैथेड्रल मैसूर चर्च पहुँचते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि ये एशिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा एवं लंबा चर्च है। हो सकता है पहले ये चर्च एशिया में टॉप 3 में आता होगा, लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े चर्च बन चुके हैं, इसलिए वर्तमान में तो ये टॉप 3 में तो शायद नहीं हो सकता। हालांकि टॉप 3 में हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज देखने लायक है वो ये है कि ये चर्च बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है। और हाँ, यहाँ पर आधे लोग चर्च के अंदर चप्पल जूते पहन कर जा रहे थे और आधे लोग बाहर चप्पल जूते उतार कर जा रहे थे। चप्पल जूते बाहर उतार कर रखने के लिए कोई चार्ज नहीं था। यहाँ पर गाड़ी 20 मिनट के लिए रुकी थी। इसके बाद हम लोगों को चामुंडेश्वरी टेम्पल लेकर जाना था, लेकिन उसे अभी स्किप कर दिया गया है और वापसी लौटते वक्त ऊटी से जब आएंगे तब चामुंडेश्वरी टेम्पल जाएंगे। अब ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर जाने से हमारे से ज्यादा खुश तो गाइड लोग होते हैं। हमें शॉपिंग के लिए ले जाया गया कावेरी सिल्क एम्पोरियम में। इस तरह की शॉपिंग वाली जगह गाइड लोगों की बहुत फेवरेट होती है। यहाँ पर गाइड की तरफ से कोई भी जल्दबाजी नहीं होती। जब तक आपकी शॉपिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक बस भी आराम से रुकती है। अगर आप लोगों को पता हो कि गाइड लोगों को ये जगह क्यों इतनी ज्यादा पसंद आती है तो कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर सब चीजों के रेट बहुत ही ज्यादा है, हर चीज यहाँ महंगी है। 15-20 मिनट में ही सब लोग वापस आ गए। फिर भी आधा घंटा तक यहाँ बस रुकती है और अब उसके बाद लंच के लिए होटल मयूरा होयसाला पहुँचते हैं। यहाँ पर लंच के लिए बुफे लगा हुआ है, 200 रुपए प्रति प्लेट प्रति व्यक्ति। ये खाने के आइटम की लिस्ट है। अब बारी है मैसूर शहर का खूबसूरत मैसूर पैलेस देखने की। इसकी एंट्री फीस 100 रुपए प्रति व्यक्ति है। मैसूर पैलेस बहुत बड़ा है। इसको अच्छे से देखने के लिए 2-2.5 घंटा कम से कम चाहिए, लेकिन इतना टाइम तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि और भी बहुत सारी जगह देखनी है। यहाँ पर 1 घंटे का समय दिया गया है। देखिए कितना सुंदर है, क्या नक्काशी है। ये हाथी को सजाने के लिए आभूषण है। देखिए ये राजा जी का फर्नीचर है। ये राजा जी का आईना है।
ये चांदी का दरवाजा है। ये पूरा घूमने के बाद जैसे ही आप मैसूर पैलेस से बाहर निकलेंगे, आप चाहे तो कैमल राइड या हॉर्स राइड इत्यादि कर सकते हैं। ₹60 रेट है प्रति व्यक्ति। बाहर मैसूर पैलेस वाले परिसर में ही आपको दो मंदिर भी दिखेंगे, पहला श्री प्रसन्ना कृष्ण स्वामी मंदिर और दूसरा पुरातन श्री लक्ष्मी रमन स्वामी मंदिर। इन दोनों मंदिर के दर्शन भी अवश्य कर लीजिएगा। अभी हम पहुँचे हैं मैसूर के श्री जेचम राजा वोडेयार बहादुर जूलॉजिकल गार्डन में। यहाँ की एंट्री फीस है ₹50 प्रति व्यक्ति। दोस्तों, अभी हमारी मैसूर ट्रिप यहाँ पर खत्म हो चुकी है और हमको वृंदावन गार्डन जाना था। वृंदावन गार्डन के अंदर ही होटल है, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 4 बजे है। और मैसूर का ये जूलॉजिकल गार्डन भी पैकेज में शामिल है। यहाँ पर हमको परसों आना था, जब उटी से वापस लौटते वक्त मैसूर पहुँचते हैं तब यहाँ लेकर आते हैं, लेकिन अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए आज ही हम जूलॉजिकल गार्डन देख रहे हैं। ये जो 157 एकड़ में फैला हुआ है, यह भारत के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय चिड़ियाघरों में से एक है और यहाँ विभिन्न प्रजातियों का घर है। मैसूर चिड़ियाघर शहर के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। ये जू दिखने में तो काफी अच्छा है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर सारे जानवरों की देखभाल प्रशासन बहुत अच्छे से करता होगा। यहाँ पर एक शेर बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहा है। पता नहीं क्यों इसे देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बीमार है या फिर भूखा है। घंटे का यहाँ पर समय मिला था। 5 बजे यहाँ से वापस जाना है वृंदावन गार्डन के लिए। वृंदावन गार्डन यहाँ से है तो मात्र 21 किलोमीटर, लेकिन ट्रैफिक के कारण बस में 1.5 घंटा का अनुमानित समय लग जाता है। वृंदावन गार्डन की एंट्री फीस ₹50 प्रति व्यक्ति है और गार्डन के अंदर ही होटल मयूरा कावेरी है। वृंदावन गार्डन को बाद में देखेंगे, पहले होटल के अंदर चलते हैं और रूम को देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा रूम बहुत अच्छा है और सर्व सुविधा युक्त है और बहुत ही ज्यादा अच्छा गार्डन व्यू गैलरी से देखने को मिल रहा है। और गैलरी से गार्डन देखने पर जो आनंद आ रहा है, जो सुकून मिल रहा है, वो शब्दों से बयान नहीं कर सकते, उसे यहाँ आकर ही फील किया जा सकता है। अगर आप रूम में कुछ खाने पीने के लिए कुछ मंगवाना चाहते हैं तो ये मेनू कार्ड है।
और अगर आप होटल में नहीं खाना चाहते तो बाहर गार्डन में चौपाटी भी है, वहाँ बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल हैं, आप वहाँ जाकर भी खा पी सकते हैं। अभी गार्डन को सामने से देखने भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हिसाब किताब कर लेते हैं। खाने पीने की चीजें डालने से वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए खाने का खर्चा एक मुस्त आपको बता रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक आज हम दो लोगों का 500 रुपए खाने एवं पीने में कुल खर्चा हुआ है। खाने पीने के खर्चे की भी सारी जानकारी वीडियो में डाला जाए या नहीं वो आप कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा अन्य खर्च में 100 रुपए के हम लोग लड्डू श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से खरीदे थे। अब बात करते हैं आज श्रीरंगापट्टन एवं मैसूर में कुल एंट्री फीस कितनी लगी। 200 रुपए टीपू सुल्तान म्यूजियम, समर पैलेस, दरिया दौलत बाग की एंट्री फीस। 200 रुपए मैसूरू पैलेस की एंट्री फीस। 100 रुपए जूलॉजिकल पार्क की एंट्री फीस। 100 रुपए वृंदावन गार्डन की एंट्री फीस। तो आज का हम दो लोगों का कुल खर्च जो हुआ है वो 500 प्लस 100 प्लस 600, कुल दो व्यक्ति का 1200 रुपया खर्च हुआ। होटल में रुकने का खर्चा पैकेज में शामिल है। श्रीरंगापट्टन, मैसूर एवं ऊटी घूमने के लिए बस का पैकेज लिया हुआ है, तो अभी तो सिर्फ दो जगह घूमे हैं, ऊटी घूमना बाकी है। ऊटी घूमने के बाद ही हम पूरा हिसाब किताब करेंगे कि टोटल तीनों जगह घूमने का कितना खर्चा होता है। अब चलिए बाहर मैसूर के गार्डन को देखते हैं। 60 एकड़ में फैला हुआ है ये गार्डन। इंडिया के टॉप 10 सुंदर गार्डन की बात किया जाए तो उसमें इसका नंबर जरूर आएगा। अगर आप यहां पर बोटिंग का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो शाम 6 बजे तक 40 रुपया प्रति व्यक्ति का चार्ज है और 6 बजे के बाद अप एंड डाउन का 80 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज है। यहाँ पर इतनी मनमोहक लाइटें हैं कि ये आपका मन मोह लेगी, मन करेगा बस इनकी खूबसूरती निहारते रहे। अगर आप कभी मैसूर आए तो ये गार्डन जरूर जरूर आइएगा। इसी के साथ मैसूर का हमारा वीडियो खत्म होता है। ऊटी का आने वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख दीजिएगा। अब एक खूबसूरत वीडियो के साथ आपसे विदा लेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और कोई सुझाव देना चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा। सत श्री अकाल। खूबसूरत सपनों बैठे रहे हम, चारों तरफ हरियाली है, जिसे देखकर मन खुश हो जाता है, सारी तकलीफ बेकार।